नमस्कार दोस्तों दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों बहुत सारे बच्चे का एक क्वेश्चन था कि सर क्या सीखें जो खुद का स्टार्टअप हो, खुद का हम अपना स्टार्टअप कर सके, खुद का एक बिजनेस चालू कर सके। तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं कि आप बेरोजगार हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो और कुछ करने का प्लान कर रहे हो, क्या सीखें जो कि अपना स्टार्टअप होगा, उसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहे और आप अपना करियर के बारे में सोचे कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये आप सोचे और एक लक्ष्य बनाओ और कुछ करना चालू करो। क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ पढ़ने से ही आपका स्टार्टअप तो नहीं हो जाता, पढ़ने से दिमाग बढ़ता है और पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर स्टार्टअप भी नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई आप 10th कर रही है, 12th कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, तो आपको अब अपना स्टार्टअप के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि नौकरी मिलना आज के टाइम में बहुत ही कम हो गया, नौकरी बहुत कम मिलता है, इसीलिए खुद का स्टार्टअप करो और खुद से खुद का रोजगार शुरू करो। तो इस वीडियो में पूरा हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको क्या स्टार्टअप करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका कमेंट भरा पड़ा है कि सर हम क्या करें, क्या सीखें ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको जो भी इच्छा करे वो सीखो, हर चीजों में बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों काम बहुत है, काम दुनिया में बहुत है, आप करने के लिए तैयार हो जाओ। स्टार्टअप करने के लिए दुनिया में बहुत है, आप शुरुआत तो करो, आप पहला कदम तो उठाओ। आप अपना पहला कदम उठाओगे तभी तो शुरुआत होगा, और पहला कदम सबसे कठिन होता है, और उस कठिन समय को जो झेल लेता है, जो उस कठिन समय को सामना कर लेता है, जो उस कठिन समय को सामना करने का हौसला जिसके अंदर होता है, वही कुछ आगे कर पाता है। दोस्तों क्या क्या स्टार्टअप आप कर सकते हो, हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी जो आपका मन करे वो आप करोगे। दोस्तों अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो अच्छे से तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए कोई स्रोत होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए कोई स्टार्टअप होना चाहिए, और स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पहले कुछ सीखना पड़ता है, और कुछ भी सीखने के लिए उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता है। आप जब से बचपन से आज तक जो भी कुछ किए हो हर चीजों में पैसा खर्च हुआ है। आप बचपन से पढ़ाई करना शुरू किए हो, पहला क्लास, दूसरा क्लास, हर क्लासेस में आप खर्च किए हो, लेकिन अब आपको का एज ऐसा हो गया कि अपना आप स्टार्टअप करोगे, और स्टार्टअप करने के लिए कुछ सीखने के लिए अगर आप खर्च नहीं करोगे तो फिर आप सीखोगे कैसे। फ्री में सीखने का बोला जाता है लेकिन फ्री में कोई सिखाता नहीं और फ्री में कोई सीख नहीं पाता है, उसका भी एक रीजन है, बहुत बड़े रीजन है, उस टॉपिक पे भी अगली वीडियो में बात करेंगे। आप वहीं से अच्छे से सीख पाओगे जहां पे उसका मूल्य आप चुका रहे हो, क्योंकि आपके अंदर में भी एक टेंशन होगा कि इस चीजों को सीखने के लिए इतना पैसा लगा रहा है, यदि सीखेंगे नहीं तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये भी टेंशन आपके अंदर होना चाहिए। आपको फ्री में बहुत सारे संस्थान है, वहां से बच्चे नहीं सीख पाते हैं, वहां पे बच्चे कंटिन्यू जाते भी नहीं क्लास करने के लिए, क्योंकि फ्री का संस्थान हम खुद चलाते थे, जहां पे बच्चे को फ्री में मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कराते थे। 10 बच्चे आते थे तो 8 बच्चे 4 दिन के बाद गायब हो जाते थे, क्यों पता है? अरे फ्री का वो सेवा था, वहां उसको पैसा नहीं लगा था, वहां पे फ्री में उसको सेवा मिल रहा था, जिसके कारण ना वो ध्यान देता था ना ही वो क्लास कंटिन्यू करता था। सीखेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो थोड़े ना मेरा बाप का पैसा जा रहा है। जहां पे आप मूल्य चुकाओगे, जहां पे आप पैसा दोगे, वहीं से आप सीख भी पाओगे, और वहां पे सिखाने के लिए जो सिखाने वाले ट्रेनर होते हैं वो पूरा एक्टिव होते हैं, एनर्जी के साथ में होते हैं। तो कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हो ना, तो कुछ सीखने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, फ्री में कहीं कुछ नहीं है। आप रास्ते में चलते हो ना, सरकार आपसे टैक्स लेता है, पता है? आप फोन पे बात करते हो ना, हवा का भी आपसे सरकार टैक्स ले रहा है। आप जब पैदा हुए ना उस समय भी खर्चा हुआ, आप मरोगे ना उस समय भी खर्चा होगा। तो सीखने के लिए फ्री में काय सोचते हो, इसमें भी खर्चा करना पड़ेगा तभी आप सीख पाओगे, सीखोगे उसके बाद स्टार्टअप के लिए खर्चा करना पड़ेगा। और यदि खर्च नहीं करना चाहते हो तो चले जाओ किसी के पास जॉब करने के लिए, रोज 500 मिलेगा, रोज 200 रुपया मिलेगा, उसमें जिंदगी नहीं कटने वाला है,
आज के टाइम में स्टार्टअप करना ही पड़ेगा। आप आज करो या कल करो, दुखी से करो या खुशी से करो, स्टार्टअप तो करना पड़ेगा बाबू। बिना स्टार्टअप का आज के टाइम में जीवन जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अपना स्टार्टअप होगा, दिन रात 24 घंटा उसमें आप लगे रहोगे अपना स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। वहां से अर्निंग भी बढ़ेगा, वहां से पैसा भी आएगा, वहां से आप अपने घर परिवार का विकास भी कर पाओगे। तो आप क्या सीखोगे, क्या सीखना चाहते हो, क्या करें, क्या सीखें जो खुद का स्टार्टअप हो, टॉपिक तो ये। चलो हम आपको बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं, आप जो रास्ता आपको अच्छा लगता है वो रास्ता को आप चुन सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या इस टाइप का वीडियो आपको चाहिए ये भी कमेंट करके हमें जरूर इंफॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रहे, कुछ भी सीखने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बिना मूल्य चुकाए आप परफेक्ट तरीके से सीख ही नहीं सकते हो। चलिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करें। क्योंकि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता हो, जो उसका दिमाग कहता हो, वही करना चाहिए, दूसरे के बात पे नहीं। बाकी हमारा काम है आपको सजेस्ट करना। दोस्तों आप स्टार्टअप करने के लिए मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के टाइम में बिना मोबाइल का कोई भी नहीं रह सकता है। मोबाइल हर बच्चे, हर बूढ़े, हर युवक के पास है। मोबाइल खराब होता है और इसे रिपेयर करने के दुकान तक जाता है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। आप मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयर का भी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर एक ऑफिस में, किसी भी एक ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पे लैपटॉप के बिना, डेस्कटॉप के बिना, जितने यूट्यूब वीडियो लोग बनाते हैं, एडिट करते हैं, सभी जगह सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। तो ये भी आप सीख करके अपना काम को चालू कर सकते हैं। दोस्तों एसी रिपेयर आप सीख करके अपना धंधा चालू कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो। दोस्तों एसी रिपेयर का डिमांड बहुत ज्यादा है। आजकल हर इंसान, हर घर घर में एसी लग, हर ऑफिस में एसी लग चुका है, स्कूल कॉलेज में भी एसी लगने वाला है और लग भी गया है। तो दोस्तों एसी रिपेयर का ट्रेनिंग करके, सीख के, अपने अंदर स्किल डेवलप करके और अपना धंधा को चालू कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट में ये सब स्टार्टअप होता है, बिल्कुल कम। अब कौन सा कम में होता है इसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करो, जरूर बनाएंगे। अगला फ्रिज रिपेयर का ट्रेनिंग करके और अपना स्टार्टअप कर सकते हो। इसका भी काफी डिमांडेड है। क्या घर घर में फ्रिज लगा है, हर का शादी में फ्रिज मिलता है, देख लेना अपना गांव में, है ना। चलो हाउस वायरिंग बहुत बड़े फील्ड है। हाउस वायरिंग का ट्रेनिंग करके खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब हाउस वायरिंग इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर चलता है, इसका काम चलता है, अनाप शनाप पैसा कमा सकते हो। सीखोगे तब तो, अब सीखना ही नहीं चाहोगे, बोलोगे घर बैठे हमको सब मिल जाए, तो बाबू ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सूरज के तरह चमकना है तो सूरज के तरह जलना पड़ेगा, मोती के तरह निखरना है तो हथौड़ी का मार खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पंखा वाइंडिंग, आप जानते हो गर्मी के सीजन में कितना कमाता है पंखा वाइंडिंग करने वाले भाई साहब। बिना पंखा किसी का घर है क्या? तो आप पंखा रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कर सकते हो और अपना स्टार्टअप कर सकते हो, अपना रोजगार शुरू कर सकते हो। अगला सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन। आज हर ऑफिस, हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा अब घर में भी लगने लगा है। सीसीटीवी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलेशन अच्छा अर्निंग होता है इसमें, छोटी कॉस्ट बड़ी कमाई, तो ये भी सीख सकते हो अपने। अगला ऑप्शन टीवी रिपेयर, स्मार्ट टीवी काफी ज्यादा डिमांडेड कॉस्ट है, मिस्त्री भी इसका कम है, ये सीख के अपना स्टार्टअप कर सकते हो, अपना फ्यूचर इसमें भी बना सकते हो, तो टीवी रिपेयर भी कर सकते हो। अगला वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग भी काफी डिमांडेड है, आप वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सीख करके और अपना स्टार्टअप कर सकते हो। दोस्तों ये सारे कोर्सेस हमारे पास कराया जाता है, और भी बहुत सारे कोर्स है। साइबर कैफे का कोर्स करके आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, बिल्कुल कम पैसे में। साइबर कैफे खोलने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, अब सर थोड़ा मोड़ा तो पैसा लगाना पड़ेगा। बिना पैसा का आपको पानी नहीं मिलता, आपको सांस नहीं मिलता, आपको खाना नहीं मिलता है। रोज अब खाना खाते पैसा खर्च होता है ना सर, तो बिना पैसा का कुछ नहीं है दुनिया में। निःशुल्क सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, उसको निभाने में, वो करके अमल होने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, अपने आप में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप बचपन से खर्च करते आ रहे हो, पहला क्लास पढ़े, दूसरा क्लास पढ़े,
कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें आप फ्री में पढ़ करके निकल गए? यदि सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो ट्यूशन जरूर जाते होंगे पढ़ने, है ना। तो आज तक हर चीजों में इन्वेस्ट किए, पैसे खर्च किए, तो अब आप कुछ करने वाले हो, कुछ आपको कुछ स्टार्टअप करना है तो उसके प्रति भी खर्च करो, इन्वेस्ट करो और कुछ सीखो और जल्दी से जल्दी अपना स्टार्टअप करो। जितना लेट करोगे उतना तकलीफ होगा, जितना लेट करोगे उतना दर्द महसूस होगा। समय को बर्बाद ना करें। जिसने समय का कदर किया है, जिसने समय का सदुपयोग किया है, जिसने समय का भेलू दिया है, समय ने उसको आबाद किया है, तो आपको आबाद होना है कि क्या होना है आप अपना डिसीजन खुद लें। दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के देखा, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।